हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी को और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दोस्तों आज का इस वीडियो आपको बताऊंगा, अगर आपका YT स्टूडियो ओपन नहीं हो रहा है, YT स्टूडियो ओपन होने में कुछ दिक्कत प्रॉब्लम हो रहा है। दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस तरह से प्रॉब्लम आप भी देख रहे हो, झेल रहे हो, और ये बहुत सारे लोगों को कमेंट बॉक्स में मुझे दिखाने के मुझे बोला है कि आप भैया इस तरह से प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है तो उसको सोल्यूशन बताओ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो आपको बताऊंगा कि YT स्टूडियो अगर आपका भी इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए। इसके बाद इस वीडियो देखने के बाद आपका YT स्टूडियो कभी भी ऐसा दोबारा नहीं होगा। अगर हो भी गया इसी प्रॉब्लम की वजह से इसी वीडियो में सॉल्यूशन बताऊंगा, इसके जरिए आपका YT स्टूडियो ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों फिर से स्वागत है सभी को हमारे चैनल एप्सियन में, मैं हूं निशा। तो दोस्तों ये बिना नमस्ते वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों अभी हमारे फोन स्क्रीन में, दोस्तों अभी मैं लाइव दिखाऊंगा कि दोस्तों आप मान लो ये मेरा YT स्टूडियो है, YT स्टूडियो को मैं जैसे ओपन करना चाहूंगा, देखो अनफॉर्चुनेटली YT स्टूडियो है स्टॉप। दोस्तों आप देख सकते हो आपका YT स्टूडियो कुछ इस तरह से आता है, ओके वगैरह कर देते हो लेकिन बैक हो जाता है, कुछ भी काम वगैरह नहीं करता। दोस्तों आप देख सकते हो फिर से मैंने करके दिखाया और यही दिखा रहा है। दोस्तों ये प्रॉब्लम जो है बहुत सारे लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में मिला है कि YT स्टूडियो भाई ओपन नहीं हो रहा है तो ऐप्स क्यों इस तरह से होता है। दोस्तों आज का इस वीडियो में मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, पूरा तरीका बताऊंगा, ये करने के बाद मैं 100% कहता हूँ कि आपका YT स्टूडियो फिर से आपका काम करेगा पहले के जैसा। हाँ दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों इसी खुशी में वीडियो को हम आगे बढ़ने से पहले आपसे एक स्मॉल सा रिक्वेस्ट है। दोस्तों आप जो हमारे वीडियो देख रहे हो सबसे पहले इसी खुशी में वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है जल्दी से सब्सक्राइब के बटन में दबा के सब्सक्राइब कर देना, ये सब्सक्राइब का बटन आएगा जरूर सब्सक्राइब कर देना है। एक घंटे का बेल आएगा दोस्तों, ये आपको ऑल में जरूर दबा के रखना होगा। और इसके नीचे दोस्तों एड ए पब्लिक कमेंट आएगा, दोस्तों आपको भी एक प्यारा सा कमेंट कर देना है YT स्टूडियो प्रॉब्लम सॉल्यूशन। दोस्तों ये कमेंट आपको जरूर करना है। आप जैसे कमेंट कर देंगे दोस्तों आप देख सकते हो आपके सामने YT स्टूडियो प्रॉब्लम सॉल्यूशन एक कमेंट हो जाएगा और मुझे मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों पहला वाला स्टेप क्या है, दोस्तों अभी मैं दो प्रोसेस बताऊंगा दोस्तों इसको सॉल्यूशन करने के। पहला वाला प्रोसेस दोस्तों बताऊंगा, अगर ये काम नहीं किया तो दूसरा प्रोसेस आपको मैं यही वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों इसके लिए अभी आपको सबसे पहला वाला स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, आपके प्ले स्टोर में जाइए और फोन प्ले स्टोर में जाके दोस्तों आप इधर सर्च कर लीजिए YT स्टूडियो। आप जैसे सर्च करेंगे YT स्टूडियो दोस्तों आपके सामने YT स्टूडियो अपडेट आ रहा है। दोस्तों आप देख सकते हो मेरा YT स्टूडियो अपडेट आ रहा है, आपका भी अपडेट आएगा 100%। अगर अपडेट नहीं आया तो आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे गलती करे YT स्टूडियो को अपडेट नहीं देते, कभी भी एप्स इस एप्स को अपडेट देते ही नहीं, तो ऑटोमेटिक जो अपडेट है ये भी आप बंद करके रखते हो। लेकिन दोस्तों आपका YT स्टूडियो अपडेट करना पड़ेगा और इस अपडेट को आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपडेट में लगा लीजिए और हर रोज आपको अपडेट को चेक करना है। एक बार प्ले स्टोर में जाना है और आपका YT स्टूडियो को अपडेट पर चेक करना, अपडेट आया या नहीं आया। तो कुछ अगर आप हर रोज नहीं कर पाओगे दो दिन तीन दिन के बाद कर लेना या हफ्ते में एक बार कर लेना। दोस्तों अपडेट जैसे हर बार आप अपडेट करके रखेंगे ये फ्रेश होकर रहेगा और इसका जो है मतलब डाटा वगैरह है फ्रेश करके रखेगा जितने भी इसके डॉक्यूमेंट वगैरह, नहीं तो ये कुछ इस तरह से डिवाइस में प्रॉब्लम होता है और अनफॉर्चुनेटली जो स्टॉप हो जाता है। तो पहला वाला स्टेप दोस्तों आपको ये करना है। तो जैसे दोस्तों इसको अपडेट कर लेता हूँ, सिंपल तरीके से थोड़ा वेट कर लेता हूँ और दोस्तों ये वेट कर लेने के बाद ये अपडेट हो जाएगा। अगर इससे काम नहीं हुआ दोस्तों दूसरा वाला ऑप्शन आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल जैसे मान लो ये ऐप्स है दोस्तों, इस ऐप्स को किस तरीके से काम करते हैं, मतलब ये YT स्टूडियो ऐप्स है, इस ऐप्स को आपको टैप करके रखना है और ऐप इन्फॉर्मेशन में एक ऑप्शन आएगा, देख सकते हो दोस्तों ऐप इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आएगा और रिमूव ऐप इन्फॉर्मेशन में आपको चला जाना है। इस ऐप इन्फॉर्मेशन में चला जाने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आएगा। तो आपको ये जो ऑप्शन आएगा स्टोरेज यूजर्स, ये स्टोरेज यूजर्स में आपको चला जाना है, स्टोरेज यूजर्स में चला जाना है और स्टोरेज यूजर्स में चला जाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो दो ऑप्शन आएगा। पहला वाला ऑप्शन आएगा क्लियर कैच एंड क्लियर डाटा। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको क्लियर कैच को, ये जो क्लियर कैच का बटन आएगा, क्लियर कैच को आपको क्लियर कैच में कर देना है। उसके बाद जो क्लियर डाटा का आएगा, क्लियर डाटा पे आपको ओके कर देना है। सिंपल तरीके से ये दो प्रोसेस आपको दोस्तों कर लेना है, क्लियर कैच एंड क्लियर डाटा। कर लेने के बाद दोस्तों आपका जो YT स्टूडियो सिंपल तरीके से ओपन कर लेना, 100% आपका YT स्टूडियो ओपन हो जाएगा। और जो ये लॉगिन होगा आपका जो जीमेल है दोस्तों, सिंपल तरीके से जीमेल को टैप कर लीजिए, उसके बाद गेट स्टार्ट का बटन आएगा, फिर से गेट स्टार्ट में क्लिक कर लेना है और जो आपका YT स्टूडियो दोस्तों देख सकते हो आपके सामने पहले के जैसे आपका YT स्टूडियो मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और ऐसे इंटरेस्टिंग और जबरदस्त वीडियो दोस्तों हमारे चैनल में मिलता रहेगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले दिन अगले नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।